गाय का छोटा सा बच्चा है और कुत्ते उसके पीछे पड़े तो मैं भगा देता हूँ उनको। ये तो कमजोर हो गया यार बिना दूध पिए, बहुत छोटा सा बच्चा है यार गाय का, बेचारा चल भी नहीं पा रहा है यार। देखिए कोई इनको जंगल में छोड़ गया, ये देखिए कितना प्यारा बच्चा है भैया का, तो इनको इसको मैं ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं भाई। देखिए पाँव में काट दिया ना ये बेचारे के, यहाँ पर काट दिया यार। चाचा ये किसका है, ये तो कुत्ते फाड़ रहे हैं इसको, ये देखो काट गए वो कुत्ते, ये देखो काटो यार इसको, निकालो यार चाचा। एक दिन के गाय के बछड़े को किस तरह हमने जंगली कुत्तों से बचाया वो सब आप देख सकते हैं ब्लॉग के एंड में। फिलहाल चलते हैं खटीमा इको टूरिज्म जोन की तरफ और मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप वहां कर सकते हैं जंगल सफारी। सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग यार? और भाई मौसम साथ नहीं दे रहा, देख रहे हो आप कैसा कोहरा लगा हुआ है यार पूरी तरीके से। तो भाई मौसम की वजह से आपके लिए नया ब्लॉग नहीं ले पा रहा हूं मैं, बहुत जल्दी आपके लिए बहुत सारे ब्लॉग सोचे हैं मैंने, ऐसे ही मोटो ब्लॉगिंग करते हुए जाएंगे और उसके बाद आपके लिए कुछ ब्यूटीफुल से ब्लॉग आएंगे अभी थोड़े ही दिनों में, बहुत जल्दी। बट अभी मैं छोटी सी प्लेस आपको दिखाने ले जा रहा हूँ, और कहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे थंबनेल में देख ही लिया है, ये जंगल सफारी स्टार्ट हुई है खटीमा के अंदर। सो अभी निकल पड़े हैं, देख रहे हैं आप ये है कंजावाग रोड बेसिकली जिसे बोलते हैं, और ये मेरा होम टाउन वाली रोड है और यहाँ से खटीमा पड़ता है मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर। बहुत ज़्यादा ठंड है, सुबह कोहरा लगा, पिछले 2 दिन से कोहरा तो नहीं है लेकिन सूरज कहीं नहीं दिख रहा भाई, धूप का नामो निशान नहीं है। तो देख रहे हैं आप यह जानकी मंडप और ये रोड जा रही गोडिया की तरफ, और ये है धूप देरी वाली रोड, और यहाँ से आगे आएगा शिव मंदिर और शिव मंदिर के बाद सीधा आएगा फिर खटीमा। तो यह है भाई शिव मंदिर, जय भोले बाबा, खटीमा का शिव मंदिर। यह है आइडल, इसी के बाद फोन पड़े हुए हैं और यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं खटीमा सितारगंज रोड की तरफ। कंजावाग चौराहा बेसिकली ये तिराहा है, हाँ ट्राई जंक्शन कंजावाग, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ खटीमा मेन सर्कल की तरफ। भाई इस रोड में मोटर ब्लॉगिंग करने का अपना ही मज़ा है, मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ क्योंकि इतना ट्रैफिक रहा है इस रोड में, इतना ट्रैफिक है हमेशा जाम लगा रहता है, लेकिन आज ठंड होने की वजह से लोग कम निकले हैं घर से तो आज जाम कम है। और यहाँ पर बैठा हुआ सांड भाई, पाँव में बहुत चोट लगी है इसके, और यहाँ से आप जाएंगे ये पीलीभीत रोड पे और हम जाएंगे नीला घाट रोड की तरफ। तो ये रहा नीला घाट रोड, और इसी पर आगे मुश्किल से 2 या 3 किलोमीटर जाके आपको जंगल सफारी का आनंद मिलेगा। तो खटीमा से बहुत नज़दीक है, मुश्किल से 1.5 किलोमीटर दूर जाके ही आप जंगल सफारी का आनंद ले सकते हैं, जिस तरह जिम कॉर्बेट पार्क हो, रामनगर, गिर नेशनल पार्क, राजस्थान, गुजरात, वैसे ही जंगल सफारी का इधर जिप्सी लगी हुई है और स्टार्ट किया था। देखते हैं आज जाके कि कितनी जिप्सियाँ हैं, कैसा चल रहा है। और यह रेलवे स्टेशन जो ये बाइक जा रही है, और हम जाएंगे अभी ये रेलवे क्रॉसिंग पार करके मेला घाट रोड। ट्रेन लगी है वही स्टेशन पे। तो वन क्षेत्राधिकारी और वन विभाग उत्तराखंड, ये उनका ऑफिस है, और यहाँ से ये पूरा जंगल का एरिया शुरू हो गया सुरई रेंज। तो ये सुरई रेंज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश यानी पीलीभीत और खटीमा दोनों तरफ पड़ता है। ये है सुरई रेंज का जंगल, और देख लीजिए भाई अगर मौसम ख़राब हो तो ये जंगल में अंधेरा दिखता है। तो जंगल सफारी करते हुए एक ऐसा जंगल का अंदर का, और हमने टाइगर भी कैप्चर किया था, अगर वो ब्लॉग देखना चाह रहे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उस लिंक पर जा सकते हैं। तो ये है उसका एंट्रेंस गेट देख सकते हैं, और ये जिप्सी लगी हुई है ये एंट्रेंस गेट। आ गए हम सुरई इको टूरिज्म जोन करके, ये गेट बना हुआ है, सामने खड़ी है जिप्सी, और ये मेला घाट रोड देख रहे हैं, ये हाईवे है राज्य सरकार द्वारा हाईवे, और इसी के ठीक सामने खटीमा से लगभग 2 किलोमीटर दूर ये पड़ता है अपना सुरई रेंज का सुरई इको टूरिज्म जोन। ये है उसका गेट, दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। तो ये है इको टूरिज्म जोन, और ये रहा उसका गेट, और यहाँ पर अभी अभी शुरू किया है, देख सकते हैं आप ट्रैफिक इंडियन रुपीस और एंट्री फी आप विजिट 50 इंडियन, फॉरेन के लिए फॉरेन जो पर्सन होते हैं उनके लिए 250 रुपीज़, 600 रुपीज़ 250 पर एडिशनल डे। ये बना हुआ है टिकट काउंटर, आप यहां से टिकट ले सकते हैं, और वेटिंग रूम, और ये सर लोग हैं इधर। सो ये सुरई इको टूरिज्म जोन सुरई
सो इस यहाँ पर पूरा मैप दिया हुआ है, देख सकते हैं पोज करके वीडियो में आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा, और सुरे रेंज इको टूरिज्म रिकॉर्ड, और पूरा 180 वर्ग किलोमीटर का है ये, और शारदा सागर डैम के किनारे बसा हुआ है। तो ये इस तरह का यहाँ पर ये सारा का सारा, और ये नहर तंत्र तो नहर का है शारदा, जो भी अंग्रेजों के ज़माने की 125 साल कुआं, और यहाँ पर एक कुआं भी है द टेल ऑफ कुआं, तो सारा जितना भी है। और ये देख सकते हैं आप ये पीलीभीत इको टूरिज्म डॉन, पूर्णागिरी मंदिर, नैनीताल, ये सारे ब्लॉग आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर, शारदा सागर जलाशय का भी, नानक सागर जलाशय, तो और जो जो बर्ड्स इधर मिलती हैं वो उनकी सारी पिक्चर और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो ये ग्रीन बी एटर, इंडियन रोलर, रॉकी टेल, सो और ये बंगाल टाइगर, लेकिन इधर जरूर मिलेगा। और ये है, ये रहा भालू, तो ये साउथ वियर भालू करके है, और ये भी इस जंगल में मिलेगा आपको। और ये जो ये देखिए जंगली सुअर, टाइगर, भालू, और ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। और ये फॉरेन एशियन ओपन, जो जितने भी फॉरेनर जो बर्ड्स इंडिया में आती है उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो ये इस पक्षी की प्रजातियाँ है सुरई क्षेत्र में, और ये सरीसृप यानी सांप, कोबरा, और जितने भी सांपों के प्रकार है, देखिए कछुआ है, और ये अजगर है, और रेड कॉर्डेड खुखरी करके ये सांप है। सो यही है फटीमा का टाइगर सफारी जोन, जिसे बोलते हैं इको टूरिज्म जोन, सेम रामनगर की तर्ज पर बनाया हुआ है। डज एंड डोंट, आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि वन क्षेत्र में परमिट प्राप्त करके ही प्रवेश करें। तो ये है वो जिप्सी जो आपको अवेलेबल होगी, और इसका प्राइस मैं अभी बता दूंगा आपको, यानी जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो भैया बैठे हुए उनसे बात करेंगे अभी, जो इसके ड्राइवर हैं। ये है उसका गेट, और सामने आप देख रहे हैं ये है उसकी रोड। आपकी गाड़ी है ये? जी मेरी गाड़ी। अच्छा, तो आपने इसमें कैसे लगाई है ये, मतलब रेंट में लगाई किस हिसाब से? ये गाड़ी रेंट के विभाग से, विभाग के, वन विभाग के थ्रू, हाँ उसमें अटैच में है। अच्छा, तो यहाँ पर टोटल कितनी गाड़ियाँ हैं? गाड़ियाँ 7-8 है, जिप्सी तो गाड़ियाँ, जी जी 10-12 गाड़ियाँ हैं, पर अभी जिसमें से 5-6 गाड़ी है। अच्छा, तो यहाँ पर तो एक ही दिख रही, बाकी कहाँ है? अभी कोई गए हैं, और कोई अभी लोकल गया, तो अपने घर पे ही है फिलहाल। अच्छा अच्छा, बुकिंग होती तब। अभी फिलहाल अंदर गए हैं कोई जंगल में सफारी के लिए? तो ये इसको बोलते हैं जंगल सफारी, बोलते हैं ना? सफारी। आपका नाम क्या हो भैया? मेरा नाम होशियार सिंह सामन। होशियार सिंह सामन जी, फटीमा के हुए आप? अच्छा जी, तो ये जिप्सी है, और कितनी जिप्सियां ऐसी बताया हमने? 7। 7 है। तो इनका रेंट फिलहाल? रेंट सर 3500 है, और 250, जो 3500 में क्या है कि उसमें गाइड भी होगा। अच्छा जी, और जो पर्ची कटेगी 250 गाड़ी की, और पर पर्सन 50 रुपीज है। पर पर्सन 50 रुपीज। तो 3500 किस चीज का हुआ फिर? तो सर उसमें पूरा ना वन विभाग का जो पर्ची गाड़ी की जाएगी अंदर उसमें कटेगा। अच्छा, 40 किलोमीटर का रेंज घुमाएंगे आपको। अच्छा जी, 20 किलोमीटर जाना, 20 आना। 3500 पूरी गाड़ी का हुआ? पूरी गाड़ी का। अच्छा, भले 1% हो, भले 7% हो। 7% हो, लेकिन जब तक 7% नहीं होंगे तब तक गाड़ी अंदर होगी? होगी, सिंगल भी आएगा तो 3500 देगा तो फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कि 7% अगर आप है तो आपको 3500 अच्छा लगेगा। हाँ, एक आदमी 3500, हाँ वो लंबा पड़ जाता है। मतलब कि ये है कि फैमिली पूरी होनी चाहिए, पूरी फैमिली भी रहेगी, और आप लोगों लिए ठीक रहेगा। हाँ, मैं तो एक आदमी भी चलूंगा सर। हाँ सही बात है, ये सुरई रेंज है ना ये? जी सुरई रेंज। अच्छा, तो इसमें क्या कहते हैं कितना किलोमीटर तक अंदर ले जाते हैं आप? 40 किलोमीटर जाना, 20 जाना, 3 घंटे का। अभी आपको कितना टाइम हो गया इसमें? मुझे अभी 1 तारीख से ज्वाइनिंग। अभी तक लेपर्ड वेपर्ड कुछ दिखा? लेपर्ड तो दिखा सर, परसों गया था मैं, मुझे नील नीलगाय, जंगली सुअर, अच्छा जी, हिरन और जल मुर्गी दिखी, और बंगाल टाइगर नहीं दिखा अभी? दिखा नहीं सर। अच्छा, ये गुरुजी हमारे ये सिक्योरिटी वाले हुए, ये वन विभाग के, वन विभाग की तरफ से। टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम को 4:30 बजे तक। सुबह 9 बजे से शाम को 4:30 बजे तक। ऑनलाइन नहीं? अभी ऑनलाइन नहीं हुआ सर, सिर्फ ऑफलाइन ही। जी जी, मतलब आके डायरेक्ट कर लो कॉन्टेक्ट। तो मतलब ऐसा यहाँ पर कुछ इतना रस नहीं है, कभी भी गाड़ी मिल जाती है अवेलेबल? हाँ ऐसा भी लगा, तो कोई रस नहीं अभी, नया नया सर ना। चलो ठीक है, तो ऐसी करके 7 गाड़ियाँ हैं ना इधर? जी जी जी, 7। ठीक है, तो ये थे हमारे भैया सामंती जी, और ये खटीमा के हैं, और इन्हीं की यही ऑनर है इस गाड़ी के। तो इस तरह आपको जिप्सी मिलेगी आप बैठ के, और पूरा 7 आदमी का लगभग 3500 रुपये इसका चार्ज है, और 40 किलोमीटर की रेंज में ये घुमाते थे। सो ये रही वो जिप्सी, और ये रहा सुरई इको टूरिज्म जोन। आप अपना नंबर बता दीजिए भैया। मेरा नंबर है 7456923177। अपने नंबर देख लिया, यह है सामन जी, आप डायरेक्ट इस नंबर पर कॉल करेंगे और ये जंगल सफारी कराएंगे, और इन्हीं के अंडर सारी गाड़ियां हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और खटीमा में जंगल सफारी का आनंद लीजिए इस जिप्सी के अंदर। धन्यवाद। ये था मेरे द्वारा बनाया गया जंगल सफारी टाइगर रिजर्व,
और खटीमा इको टूरिज्म जोन का ब्लॉग। ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर आइए इधर, मुझे भी डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हैं और मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको इनका नंबर मिल जाएगा, नहीं तो आप मुझे भी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आप मुझसे ही पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी मैंने भैया से बात कर ली है, वो कह रहे हैं कि एक ब्लॉग में इस जंगल सफारी का आपके लिए इस जिप्सी में बैठकर बनाऊंगा, तो वो भी आपके पास आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, उससे पहले कुछ और ब्यूटीफुल सी ब्लॉग आएंगे। तो अपना सपोर्ट यूँ बनाए रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। स्टे ट्यून विद शेखर ट्रैवलर। अगर आप मुझे बोलेंगे जंगल सफारी जिप्सी में, तो वो भी मैं आपके लिए ब्लॉग लेके आऊँगा, अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे और विद फैमिली हो सके तो मैं ये ब्लॉग बनाऊंगा, मैं अपने परिवार को भी लाऊंगा और ये जंगल सफारी का आनंद दिलाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन गया। देखिए काफ़ी लोग इधर घूमने आए हुए हैं। तो ये देखिए सामने बच्चे हैं, बड़ी 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 बड़ी। सो ये है वो जंगल वाला लोकेशन जहाँ पर जंगल सफारी होती है जिप्सी में, जो मैंने अभी आपको दिखाया था गेट पर। और इस तरह आप इस जंगल में जा सकते हैं। फिलहाल मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि रिस्क है, इसमें बहुत ज़्यादा लेपर्ड टाइगर है। और देखिए कितना खूबसूरत व्यू बनता है यार वहाँ पे। गाय का छोटा सा बच्चा है और कुत्ते उसके पीछे पड़े हैं, तो मैं भगा देता हूँ उनको। छोटा है गैया का बच्चा किसका है यार, इधर छूटा है, हैं? तो फिर वो ये बच्चे को क्यों नहीं ले आ रहे, तो कुत्ते पीछे पड़े इसके है, तो फिर ये ऐसे जंगल में कैसे छूटा है बेचारा, बहुत छोटा है यार ये तो कुत्ते इसको खाने आ रहे हैं, पता है, छोड़ के गए लग रहा है ना ये इसको, ये तो कमजोर हो गया यार बिना दूध पिए। तो यार ये बहुत छोटा सा बच्चा है यार गाय का, बेचारा चल भी नहीं पा रहा है यार देखिए, और कोई इनको जंगल में छोड़ गया। ये देखिए कितना प्यारा बच्चा है गैया का, तो इनको इसको मैं ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं भाई, ब्लॉग बनाने आया था मैं, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि भाई इसे तो एक कुत्ते, जंगली जानवर खाए ना खाए कुत्ते इसके पीछे पड़ गए हैं। और यहाँ पर गाय का बांधने का है, ये देखिए गोबर, आप चारों तरफ गोबर देख रहे हैं, लेकिन ये बच्चा कैसे छूट गया यार, गाय कैसे छोड़ के चले गई। अभी वो दो छोटे बच्चे गए हैं और वो बोल रहे थे अंकल हम बता देंगे, शायद ये किसी गांव वाले, जब देख रहे हैं आप ये गांव का लोकेशन है, तो गांव में किसी की है। सो गाइज मैं अभी जाता हूँ, एक अंकल जी दिख रहे हैं मुझे, वो मुझे लग रहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं, और उनसे बात करता हूँ कि ये गैया का बच्चा इधर कैसे है। अरे गुरु जी ये किसका बछड़ा है, वो छोटी सी बच्ची कौन छोड़ गया, कुत्ते उसको देखो, वो देखो जा रहे बचा ले उसको बेटा, किसका है ये? अरे यार तो ऐसे क्यों छोड़ रखा है यार, वो बहुत छोटा है, बेटा बचा लो ना उसको, ये तो वो उनको बोलो ना ये बच्चे को ले आओ करके, जंगल चला गया, चार बजे आता है घर से लेकर, तो वो देखो उसके घर का कोई आया नहीं, वो बेचारा चल भी नहीं रहा, कहाँ पर है उसका घर? उसका घर वही सामने गोद वोद नहीं चला आया। हाँ 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 चलो मैं पता करके आता हूँ, ले चलते हैं यार। कुत्तू ने काटा ना, अरे यार हाँ यार इसके पाँव में काट दिया, अरे ये बेचारे के यहाँ पर काट दिया है यार, तभी तो ले नहीं पाई है, वो है? ले नहीं पाई है, मैं बताऊँ ये तो कांप भी रहा है यार ठंड से, तो इसकी इसकी मैया कहाँ है गई इसकी? अरे चुगारी ले जाती ना तो छूट गया होगा। अरे चाचा ये किसका है ये? ये तो कुत्ते फाड़ रहे हैं इसको, ये देखो काट गए वो कुत्ते, ये देखो बड़ा मुश्किल हो गया यार, ऐसे कौन छोड़ के चला गया इतना छोटा, ये यार तो बहुत कमजोर हो रखा है यार। चलो रोड तक पहुंचा दो यार इसको, उठा लो यार चाचा, उठा लो कोई बात नहीं। बेटा इसका तो मेरे को लग रहा है पेट भी खाली है इसकी, ये कल हुआ है, दो दिन के बच्चे को ये यहाँ कहाँ घुमा रहा है यार जंगल में। चलो मैं एक बार उसके घर तक ही होके आता हूँ, मैं बता के आऊंगा, नहीं तुम बोलूंगा भाई ये गलत काम है तुम्हारे। अच्छा 30 की स्पीड से चला रहा है बच्चा, देखो
रे गाइस कितनी तेज चला रहा है यार, रे कत्ते ही मजा आ गया रे, कर्री चला रहा हो रे कर्री ये। अब धीरे में पड़ गया, 20 आ गया 20। हाँ जे 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 जे, अरे गजब, एक हाथ से भी। वो कौन है ये देखो गाइस, उनकी इतना बड़ा ये गायों का ये पशुशाला है, और भैंसे भी हैं गाय भी हैं, लेकिन एक बच्चा उधर छोड़ दिया, मैं उनको बताता हूँ घर में जाके। अरे चाची तुम्हारे वो बछड़े को सारे कुत्ते खा जाने, उधर मैं बचा के लाया, उधर वो चौकी के पास रखा है। हाँ वो 2 दिन का बच्चा कहाँ जंगल में छोड़ो, कुत्तों ने काट दिया उसका पाँव, में खड़ा नहीं हो पा रहा है। गाय कुछ नहीं है, मैं तो स्कूटी से जा रहा था। बैठो, मैं तो इधर वो मैं देखा यार कुत्ते पड़े हैं उसके, 5-6 कुत्ते उसके पीछे। अरे हाँ आ जाओ बैठो कमल भाई, तो ऐसा मत करा करो यार, मत छोड़ो यार, जो छोटे गैया को वो बच्चे को बेचारे को। अरे ये पापा नहीं मानते हैं यार। अच्छा वहाँ तुमने, हाँ आज ही पैदा हुआ नहीं, बताओ यार, 1 दिन का बच्चा यार जो कुत्ते खा जाते। अच्छा वहीं पर भी आई है, ओहो ये तो बहुत छोटा है यार, बेचारा खड़ा भी नहीं हो पा रहा। देखो थोड़ा इसके पाँव में पट्टी बांध देना यार। हाँ। ये देखो वो मर रखा है। अरे कुत्ते पीछे पड़े थे इसके, ऊपर चढ़े हुए, यहाँ भी दांत आंत लगा रहे थे, वो बेचारा अपनी माँ को ढूंढ रहा है दूध के लिए। ये देखो इतना छोटा है, अभी लेटरिंग भी नहीं हो पा रही बेचारे को सही से। आओ बैठो। बस मैं नहीं, धन्यवाद यार, ये बच्चे का ध्यान रख देना यार। कम से कम यहाँ पर नहीं छेड़ेगा, नहीं छेड़ेगा ना? ना नहीं अभी तो खैर, यहाँ तो तुम्हारा घर ही, जंगल में मत छोड़ना कह रहा। चलो कोई बात नहीं चाची, ठीक है ध्यान रखना, थोड़ा पट्टी कर देना पाँव में, कुत्ते ने काटा है। और घर में पहुँचा दिया उसको, ठीक ठाक जान बच गई, वरना कुत्तू ने पूरा फाड़ देना था यार। उनके लिए हो सकता है इस बछड़े की जान की कीमत ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी भाई, किसी को मरता हुआ देख मैं नहीं देख सकता। सो ब्लॉग में एक्चुअल में बनाने आया था खटीमा जंगल सफारी का, लेकिन बन कुछ और गया भाई, तो सॉरी। बट ये सब चीज़ें कभी कभी एक्सीडेंटली आपको देखने को मिलती हैं, जो मुझे देखने को मिल गई।